si cara yo te raya esta maqueta. Bye, calle si se gata. सो है गाइज व्हाट्सअप एंड वन सेकेंड वेलकम बैक टू अवर वर्ल्ड चैनल आर एस पी एडिटिंग। सो गाइज अभी के टाइम में मतलब आप लोगों ने इंस्टाग्राम के अंदर इस तरह का मतलब फेक लव वाला रील तो देखा ही होगा, कितना ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है। तो अगर आप सब भी चाहते हो कि सेम टू सेम इस तरह का रील को एडिट करना और अपने मतलब अकाउंट पर इस तरह का रील को अपलोड करके मतलब अपने अकाउंट को ग्रो करना, तो इस वाला वीडियो को आप लोग लास्ट से वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है आप लोग को तो इस वाला वीडियो को आप लोग एक लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो गाइज इस तरह का मतलब रील को एडिट करने के लिए आप लोग को मतलब एक एप्लीकेशन को यहाँ पर जरूरत पड़ेगा जिसका नेम मतलब कैपकट है। और कैपकट एप्लीकेशन को चलाने के लिए आप लोग को मतलब वीपीएन का यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। तो आप लोग मतलब कोई सा भी मतलब वीपीएन यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँ कि आप लोग मतलब सुपर वीपीएन को मतलब यहाँ पर कनेक्ट करा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ इस तरह से और यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ इस तरह से। तो वीपीएन कनेक्ट कराने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को सिंपली अपने फ़ोन के अंदर कैपकट एप्लीकेशन को इस तरह से गाइज यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। और यहाँ पर आप लोग को ऊपर में मतलब न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस वाला न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर एक बार टैप करना है और वीडियो वाले ऑप्शन पर टैप करना है। और आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा मतलब डाउनलोड वीडियो एंड ऑडियो के नेम से। तो आप उस वाला लिंक पर क्लिक करके दोनों को मतलब यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो एंड ऑडियो। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, पहले मतलब वीडियो को यहाँ पर इस तरह से ऐड करना पड़ेगा सिंपली यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर आप लोग क्या करना है, नीचे में आप लोग को बहुत सारे मतलब टूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, रेशियो के ऑप्शन पर टैप करके इसको मतलब यहाँ पर टिकटॉक के साइज में यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर इसको डन कर देना है इस तरह से। और अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे लास्ट में इसको जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग का मतलब कैपकट का लोगो देखने को मिलेगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको आप लोग यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा इस तरह से। और आप लोग का बगल में प्लस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा तो इस वाले प्लस के आइकॉन पर टैप करके अब इस बार क्या करना है, फोटो वाला ऑप्शन पर टैप करना है। और इस बार यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को दो फोटो को यहाँ पर ऐड करना है जिस वाले फोटो को आप लोग लगाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको मतलब जूम करके प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है लाइक कुछ इस तरह। और अब यहाँ पर आप लोग क्या करना है, सेकेंड फोटो को भी इसी प्रकार मतलब यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो अब बारी है मतलब यहाँ पर म्यूजिक को ऐड करना। तो म्यूजिक को यहाँ पर ऐड करने के लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, बैक के ऑप्शन पर टैप करना है और ऑडियो वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है जो कि मतलब टेक्स्ट के बगल में होगा। तो इस वाला ऑडियो के ऑप्शन पर टैप करके साउंड वाला ऑप्शन पर टैप करना है। और यहाँ से क्या करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने ऑडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर ये वाला ऑडियो है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली प्लस के आइकॉन पर टैप करके इसको ऐड कर लिया हूँ। आप लोग देख ही सकते हो ये आ चुका है। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग को मतलब ऑडियो के साथ अपने फोटो को मतलब यहाँ पर लगाना है इस तरह से, मतलब प्रॉपर तरीके से इसको इस तरह से मैच करा लेना है इस तरह से। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हल्का सा इसको प्ले करके देखता हूँ। तो ये मतलब यहाँ पर लग चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को अपने फोटो के ऊपर क्लिक करना है इस तरह से और एनिमेशन के ऑप्शन पर टैप करना है। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे मतलब एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा एक एनिमेशन, यहाँ पर उस वाले एनिमेशन को लगाने के लिए सिंपली कैम्बो के ऑप्शन पर टैप करना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग को इस वाला थर्ड वाले एनिमेशन को या फोर्थ वाले एनिमेशन को सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, आप लोग देख ही सकते हो। बाकी अगर आप लोग को जो पसंद आता है आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइव वाले एनिमेशन को लगा के सिंपली यहाँ पर डन करता हूँ। और दूसरे फोटो पर भी एक बार क्लिक करके यहाँ से एनिमेशन के ऑप्शन पर टैप करके कैम्बो के ऑप्शन पर टैप करके एनिमेशन को यहाँ पर देता हूँ इस तरह से और सिंपली यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो अब बारी है मतलब कुछ इफेक्ट वगैरह को यहाँ पर लगाना। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, अपने फोटो के ऊपर एक बार यहाँ पर आना है इस तरह से। और यहाँ पर क्या करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पर टैप करके बॉडी वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है।
और यहाँ पर आप लोग को जो भी इफेक्ट लगाना होगा आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाइट वाले इफेक्ट को लगाता हूँ, जो कि ये रहा, इस वाले इफेक्ट को लगा लेता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर, और सिंपली डन के ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ इस तरह से। वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो, प्ले करके दिखलाता हूँ आप लोग को। और अब वीडियो को यहाँ पर सेव करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर टैप करके जिस रेशियो में आप लोग अपने वीडियो को सेव करना चाहते हो उस रेशियो को यहाँ पर सिलेक्ट करके इस तरह से सिंपली यहाँ पर जैसा ही मतलब शेयर वाला ऑप्शन पे टैप करोगे वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा।